ऑफ एयर हुआ द कपिल शर्मा शो। क्या है ऑफ एयर होने की वजह? कुछ खास प्लान कर रहे मेकर्स। कपिल शर्मा शो से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। इस शो के नए सीजन से लेकर कास्ट से रैप अप के बारे में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। वैसे तो कपिल शर्मा शो का ये सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन दर्शक अभी तक इस शो के बंद होने की खबर से उभर नहीं पाए हैं। दरअसल द कपिल शर्मा शो काफी पॉपुलर है। हर एपिसोड में कपिल शर्मा के साथ बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के बड़े स्टार्स शामिल होते हैं, मगर इस साल का सीजन खत्म हो चुका है और इस शो की प्लॉट इंडियाज गॉट टैलेंट शो ने ले ली है। बता दें कि ये सिर्फ टेम्पररी यानी कि अस्थाई रूप से बंद हुआ है। पिछले कई साल से द कपिल शो फैंस को एंटरटेन कर रहा है। जी हाँ, इस शो की जर्नी दो अलग अलग चैनल पर देखी गई। हर बार कॉमेडियन कपिल शर्मा इसे होस्ट करते हुए और अपनी टोली के साथ नई नई थीम पर इस कार्यक्रम को चलाते हैं। बीच बीच में वो सीजनल ब्रेक भी लेते हैं। अब एक बार फिर समय हो चुका है जब टीम छुट्टी पर जा चुकी है। क्यों हुआ कपिल शर्मा शो बंद? रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा रेस्ट लेना चाहते थे, इसलिए शो को स्थायी रूप से बंद करने का विचार किया गया। सूत्रों ने बताया है कि सीजनल ब्रेक हर बार शो की टीआरपी के लिहाज से काफी सही रहती है। इस जरिए मेकर्स शो के कंटेंट और कास्ट में भी हेरफेर कर पाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक्टर्स को भी एक ब्रेक की जरूरत होती है ताकि तरोताजा होकर शो में वापस लौट सके। साथ ही लगातार शो के चलने से बोरिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए ब्रेक लेना एक सही डिसीजन होता है। ये है शो बंद होने की खास वजह। द कपिल शर्मा शो के बंद होने की एक वजह ये भी है कि कपिल शर्मा की कई इंटरनेशनल टूर लाइनअप है, उनका शेड्यूल काफी टाइट है। ऐसे में उन्हें भी एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी ताकि वो अपनी दूसरी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते। फिलहाल ये जानकारी अब तक नहीं आई है कि द कपिल शर्मा शो का नए सीजन कब तक आएगा। कपिल शर्मा शो के बंद होने की एक खास वजह ये भी है कि कपिल शर्मा के कई इंटरनेशनल टूर लाइनअप है, उनका शेड्यूल भी काफी टाइट चल रहा है। ऐसे में उन्हें भी एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी ताकि वो अपनी दूसरी कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। फिलहाल ये जानकारी अब तक नहीं आई है कि द कपिल शर्मा शो का नया सीजन कब तक आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़े और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।